पहले मैं दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करता हूँ। संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ। संत कबीरदास जी के, संत गुरु नानक देव जी के चरणों में नमन करता हूँ। ज्योतिबा फूले जी, सावित्री बाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, नारायण गुरु पेरियार के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इनके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर जी, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मानवर कांतिराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, विनम्र नमस्कार करता हूँ। मेरा एक निवेदन रहेगा, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान आज आपकी कड़ी परीक्षा है, किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन नहीं करना है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से लगना चाहिए कि ये अम्बेडकरवादी है, क्योंकि अगर अम्बेडकरवादी संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध कुछ करे, फिर वो अम्बेडकरवादी नहीं है। हो सकता है कोई गंदी सोच वाला आदमी हमारे बीच आके कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन सबको मेरा निवेदन है, नजर रखना, कोई भी आपको ऐसा लगे जो शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत पुलिस को बताना या हमारी मिशन जय भीम की टीम को बताना या समता सैनिक दल की टीम को बताना, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है उसको खराब करने के लिए कई बार कुछ विध्वंसक लोग भेजे जाते हैं, लेकिन हम किसी को सफल नहीं होने देंगे। हमारी जो लड़ाई है वो भारत से जातिवाद को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंकने की है। हमारी लड़ाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री के लिए है। हमारी लड़ाई मानवता के लिए है। भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में शांति और मानवता का संदेश लेकर गया, पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार किया। तो मैं चाहूँगा जब यहाँ से चलेंगे तो बहुत ही अनुशासन लोगों को दिखना चाहिए, कि इतना गजब का अनुशासन केवल तथागत बुद्ध के धम्म को मानने वालों में हो सकता है, केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों में हो सकता है। मिशन जय भीम की वॉलंटियर्स की टीम, समता सैनिक दल की वॉलंटियर्स की टीम, भीम आर्मी के जो साथी आएंगे उनकी वॉलंटियर्स की टीम पूरे इस मार्च के दौरान वो व्यवस्था बनाने में मदद करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की पुलिस वो भी इस मार्च को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निकालने में पूरी मदद करेगी, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण ना बने जिससे कोई अशांति पैदा हो, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब के बच्चे हैं, हम बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले हैं, हम देश के कानून की इज्जत करते हैं, हम कभी किसी दूसरे का शोषण नहीं करते। हजारों साल से हमारा तो शोषण हुआ है, अब समय आ गया है शोषण से पूरी तरह मुक्त होने का, और इस मुक्ति की लड़ाई को बुद्धि और विवेक से लड़ना है, सोच विचार के लड़ना है। तो मेरा निवेदन रहेगा, सभी साथी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, और कुछ देर हम इंतजार करते हैं, थोड़ी देर बाद हम चलने का आह्वान करेंगे, और इस पूरे कार्यक्रम में कोई भी मेरे साथ आके फोटो ना खिंचवाए, उससे व्यवस्था बिगड़ती है। जब प्रोग्राम समापन हो जाए, हम वापस घर आएंगे, उसके बाद चाहे जितने मर्जी फोटो खिंचवा लेना, कोई ऐतराज नहीं है। आप फोटो खिंचवाओ, गले मिलो, हाथ मिलाओ, जो मर्जी करो, आपका भाई हूँ मैं और जो बुजुर्ग हूँ उनका बच्चा हूँ मैं। लेकिन एक तो कोई पैर ना छुए, ये पैर छूने की प्रथा गुलामों की प्रथा है, पैर छूना छोड़ दो, किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। और मेरा निवेदन है आगे भी, कोई पगड़ी लेकर मत आओ, सोल लेकर मत आओ, फूल मालाएं लेकर मत आओ, गुलदस्ते लेकर मत आओ, मिठाई लेकर मत आओ, कोई उपहार लेकर किसी को आने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही ज्यादा सम्मान की इच्छा हो, या तो एक डंडी का सिंगल फूल या फिर ये पंछी, ये एक ही काफी है, इससे बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता कोई दूसरा हो सकता है। तो आप सब लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि हम लोग कोई ये कुर्सी की लड़ाई बचाने के लिए नहीं जा रहे, ये कोई मंत्री की कुर्सी, एमपी, एमएलए बनने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की है, हमारे बहनों की इज्जत की है, और इज्जत के लिए तो हम चाहे कुर्बान हो जाए उसके लिए हम तैयार हैं।